सागर जिले का बरोदिया नोनागिरी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। यहाँ पिछले तीन दिनों से नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। दरअसल इस गांव में पिछले दिनों घटित घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। पिछले दिनों गांव में हुए एक आपसी विवाद में एक पक्ष के दलित युवक राजेंद्र अहिरवार की मौत हो गई थी तथा उसके अगले दिन मृतक के शव के साथ शववाहन से गांव आ रही मृतक की भतीजी की शववाहन से गिरकर मौत हो गई थी। इन्हीं मामलों के बाद राजनीति गर्म है। अब बुधवार सुबह सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंजना अहिरवार के परिवार से मिलने पहुंचे। सीएम ने परिवार की सुरक्षा और आरोपियों को जल्दी से जल्द सख्त सजा दिलाने की बात कही, साथ ही गांव में पुलिस चौकी खोलने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम अंजना के चाचा राजेंद्र के परिवार से मिले। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मोहन यादव ने कांग्रेस को ऐसे घटनाक्रमों में राजनीति न करने की सीख दी। उनका कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी तथा दोषियों पर कार्रवाई होगी। घटनाक्रम में पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। सीएम मोहन यादव के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य गोविंद राजपूत, खुरदई विधायक पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित नरियावली विधायक प्रदीप लारिया सहित अन्य नेतागण शामिल हुए। इससे पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। यहां उन्होंने परिवार की फोन पर राहुल गांधी से बात कराई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मृतक राजेंद्र अहिरवार के परिवार को 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आधी राशि 4,12,500 रुपए बैंक खाते में जमा होंगे। शेष अब आधी राशि चालान प्रस्तुत होने पर दी जाएगी। पीड़ित परिवार के घर आए हैं। मुझे बड़ा दुख है, घटना है, परस्पर ऐसी घटना ना हो, हम सब प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, घटना घटी है और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से में सहायता लगती है, सरकार उनके साथ रहेगी। कुछ राहुल गांधी बात कराई, अब मैं तो इस मामले में निष्पक्ष हम जांच कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस से भी कहूंगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न करें। जिसकी देखो भाई, मेरा ऐसा कहना है, ये घटना जब भी होती है तो पीड़ित पक्ष के मन में आहत होता है, एक मौत हो गई, दो मौत हो गई, तीसरी मौत हो रही है और ऐसे में न आने के बारे में आप बता दो, सरकार की संवेदनशीलता भी कोई चीज है कि नहीं? इसलिए स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष का हिम्मत बनाना, उनकी हिम्मत के लिए सरकार साथ खड़ी है, ये विश्वास जगाना और कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि घटना तो आपस में हो रही है, पार्टी सरकार नहीं है, सरकार सबके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार ये प्रयास करेगी ऐसी घटना दोबारा ना हो। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।